हेलो फ्रेंड्स तो बी एस सेकेंड ईयर के ये नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है जहाँ पर हम रियल एनालिसिस के एक चैप्टर बाउंड को डिस्कस कर रहे थे और ये वीडियो का थर्ड पार्ट है इससे पहले मैंने दो वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिया है रियल ये रियल एनालिसिस का ही बाउंड का ठीक है ना तो आप उसको जा कर के देख सकते हैं जिसमें आपको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है है ना बाउंड क्या होता है लोअर बाउंड क्या होता है अपर बाउंड क्या होता है है ना बाउंड बाउंडेडनेस विध रिस्पेक्ट टू अपर बाउंड क्या होता है ना बाउंडेडनेस विथ रेस्पेक्ट टू लोअर बाउंड क्या होता है ये सब चीज़ें मैंने उसमें आपको काफ़ी अच्छे से समझाया है ठीक है और अब इस आ, इस वीडियो में या इससे आगे के दो चार वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कुछ थियरम पर ही बात करने, करने वाले हैं ठीक है, है ना तो चलिए हम आ, इस वीडियो में भी आपको इस थियरम को समझाते हैं और ये थियरम क्या है जरा को समझने की कोशिश करिए ठीक है, है ना ये कुछ ऐसे थियरम्स मैंने यहां पर लिया है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है ना तो आप इनको ध्यान से समझिए और फिर इनका एक नोट्स बना करके उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए ठीक है ना क्योंकि ये कुछ ऐसे थेम्स हैं जो आपके इस साल के एग्जाम में पूछे जाएंगे ठीक है ना देखिए तो सबसे पहले थियरम ये कहा जा रहा है कि लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर देन एन एलिमेंट यल बिलोंग्स टू आर इज द इनफीम और जी एल बी ऑफ एफ दी टू कंडीशंस आर सेटिस्फाई मतलब ये कि कहा जा रहा है कि एक ए यदि आर का नॉन एम्पिटी सबसेट मान लिया जाए नॉन एमपीटी सबसेट का मतलब कि हमें एक आर का सबसेट मानना है जिसमें कुछ न कुछ एलिमेंट जरूर प्रेजेंट हो पहली बात और यदि यदि यल एक आर में मान लेते हो तुम कुछ इस तरीके से कि यल जो है वह जीएल कहलाएगा कहा ए का यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है क्या होता है ठीक है या इनफीम तो यदि आप यल सपोज कर लेते हो एक आर में तो उसको यल को कहेंगे कि इन्फीम है या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ए का यदि यह दो कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब ठीक है अभी दो कंडीशन क्या क्या है तो दो कंडीशन यह है कि यल इज लेस देन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए यल जो होगा जो यल हमने आर में सपोज किया है ना वह उन सभी एलिमेंटों के बराबर या छोटा होगा ठीक है उन सभी एलिमेंट जो कि ए में बिलोंग कर रहे हैं उन सबसे छोटा होगा या उनके सबसे छोटे एलिमेंट के बराबर होगा यही यल कह रहा है पहला कंडीशन दूसरा कि फॉर एनी आर्बिटरी एफ ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव नंबर मान लें जैसे वन टू थ्री कुछ भी एक, एक पॉजिटिव नंबर मानेंगे निगेटिव नहीं मानेंगे तो उस कंडीशन में यदि हम इस एफ को क्या करते हैं यल में ऐड कर देते हैं तो हमें एक एक्स वन जरूर मिलेगा जो ए में प्रेजेंट होगा देखिए क्या कहा गया फॉर एनी आर्बिटरी एफ सैलिन ग्रेटर देन जीरो दैट इज फॉर एनी पॉजिटिव वैल्यू एफ सैलिन देयर एग्जिस्ट एक्स वन बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स वन इज लेस देन एल प्लस एफ ये दो कंडीशन अगर यल सेटिस्फाई करता है तो यल को हम इनफिमम या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ए का कह सकते हैं समझा रहा है अब फ्रेंड चूंकि यहां पर इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन है तो इसका मतलब कि हमें इसका नेसेसरी और सफिसियंट कंडीशन दोनों को प्रूव करना होगा तो हम कैसे उसको प्रूव करेंगे तो देखिए हम वन बाई वन करके उन दोनों चीजों को डिस्कस करता हूं लेट यल बी द इनफीम ऑफ ए अब हम क्या करेंगे हम सबसे पहले कंडीशन में ये कहेंगे कि यल को मान लेते हैं कि इनफीमम है अब यल को मान लिया इन्फीमम है तो इन दो कंडीशन को मैं प्रूव करूंगा और फिर अगले कंडीशन में इन दोनों कंडीशन को मान लूँगा कि प्रूव्ड हो चुका है या यह वैल्यू सही है होल्ड कर रहा है और फिर मैं प्रूव करूंगा कि जो यल होगा वो इनफीम या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा एक ए का ये चीज़ें मैं करने वाला हूँ ठीक है तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं क्या कि यल जो है वो ए का इन्फिमम है अगर यल इन्फिमम है तो इसको दूसरी भाषा में क्या कहा जा सकता है कि यल जो होगा वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा क्योंकि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ही तो इन्फिमम होता है समझा रहे ना जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि एक आर आपने सेट मान लिया माइनस इन फाइनाइट टू माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन है ना जीरो वन टू थ्री डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट और यदि आप एक सबसेट इसका सपोज कर लेते हो जैसे वन टू थ्री फोर ठीक है चलिए मैंने यहाँ फोर फाइव सिक्स मान लिया ना इस तरीके से और ये इनफाइनाइट तक तो रहेगा रहे तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या प्रूफ करना है जैसे इसी को हमने यल माना है इसी को क्या माना है यल माना है ठीक है ना और प्रूफ करना है कि जो वन होगा वो इन सभी एलिमेंटों से छोटा होगा या अपने सबसे छोटे एलिमेंट के बराबर होगा ये प्रूफ करना है और फिर ये प्रूफ करना है कि यदि वन में हम कुछ भी ऐड करेंगे तो हमें उस कंडीशन में एक बड़ी वैल्यू मिल जाएगी जो इस ए में होगी लेकिन उससे छोटा वैल्यू अब जैसे वन और टू का मीन निकालेंगे वन और टू का मीन निकालेंगे तो क्या आएगा थ्री बाई टू आएगा अब थ्री बाई टू कहाँ होगा वन और टू के बीच में होगा तो ये कह रहे हैं कि यदि वन ठीक है यदि वन एक कोई वैल्यू हमने सपोज किया है और यदि इसमें कोई एक पॉजिटिव वैल्यू वन में जोड़ देंगे तो एक, एक और वैल्यू मान लीजिए टू मिल गया तो टू से छोटा एक वैल्यू थ्री बाई टू है कि नहीं है तो थ्री बाई टू इस ए में एग्जिस्ट कर रहा है तो अगर थ्री बाई टू इस टू से छोटा है तो टू को हम लोअर बाउंड नहीं कहेंगे क्यों नहीं कहेंगे क्योंकि किसी भी एलिमेंट को हम लोअर बाउंड तभी कहते हैं जब उससे छोटा कोई वैल्यू इस सबसेट में ना हो जैसे देखिए फोर को हम लोअर बाउंड नहीं कहेंगे फोर को लोअर बाउंड क्यों नहीं कहेंगे क्योंकि इससे छोटा वैल्यू एक थ्री है जो इस सबसेट में है इसलिए फोर को लोअर बाउंड नहीं कहेंगे अच्छा थ्री को लोअर बाउंड कहेंगे क्या नहीं कहेंगे थ्री को भी लोअर बाउंड नहीं कहेंगे क्यों थ्री को लोअर बाउंड नहीं कहेंगे क्योंकि थ्री से छोटा एक वैल्यू टू है इसमें जो उससे छोटा है और हमने कहा कि लोअर बाउंड वही होता है जो अपने सबसेट में सबसे छोटा होता है तो अपने सबसेट में सबसे छोटा क्या है वन है तो सबसे छोटा वन है इससे छोटा कुछ भी नहीं है तो वन को हम लोअर बाउंड कह सकते हैं बात आ रहा है ना यही बात यहां डिस्कस किया जा रहा है देखिए कि लेट यल इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ ए मान लीजिए कि यल जो है वो इन्फिमम है ए का तो यदि यल इन्फिमम है तो यल को हम कह सकते हैं कि वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा ए का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ए का क्यों होगा देखिए इस सबसेट यल में इस सबसेट ए का सबसे छोटा वैल्यू क्या है वन तो इसका मतलब कि वन या वन से छोटे जितने वैल्यू होंगे वो ए के लोअर बाउंड कहलाएंगे ए के क्या कहलाएंगे लोअर बाउंड कहलाएंगे तो लोअर बाउंड ऑफ ए क्या क्या हो जाएगा तो चलो मैं उसका नाम लिख देता हूँ माइनस इनफाइनाइट डॉट डॉट है ना माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन ज़ीरो वन देखिए ये लोअर बाउंड कहलाएगा क्यों लोअर बाउंड कहलाएगा क्योंकि लोअर बाउंड का मतलब होता है कि अपने सबसेट में पाए गए सबसे छोटे एलिमेंट के बराबर या उससे सभी छोटे एलिमेंट लोअर बाउंड कहलाते हैं तो ये सब के सब क्या है लोअर बाउंड है ठीक है अब लोअर बाउंड हमें मिल गया तो यही है बात यहाँ लिखा गया कि यल इज़ द ग्रेटेस्ट अच्छा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ये भी समझ लो जरा यल यानी हमने कहा वन को हमने यल माना है तो वन जो होगा वो अपने पूरे लोअर बाउंड में सबसे बड़ा होगा देख लो भाई ये पूरा ग्रेटेस्ट है कि नहीं ये ग्रेटेस्ट है इन सब में इन सबसे ये वैल्यू बड़ा है तो अगर ये बड़ा है तो इसको जी एल भी नहीं कहेंगे यानी अपने लोअर बाउंड का सबसे बड़ा वैल्यू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ठीक है ना तो वही बात यहां कहा गया कि यल इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए नाउ देयर फोर एल इज द लोअर बाउंड ऑफ ए अब अगर वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो जाहिर सी बात है लोअर बाउंड होगा तभी तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहलाएगा अरे पहले ये लोअर बाउंड होना चाहिए पहले ये लोअर बाउंड में होना चाहिए तो देखिए वन जो है अपने लोअर बाउंड में पहले है है अब अपने लोअर बाउंड में सबसे बड़ा है तो फिर उसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहेंगे यानी अगर पहले ही आप कह दो कि ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो जाहिर सी बात है अपने लोअर बाउंड में होगा तभी वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहलाएगा नहीं तो नहीं कहलाएगा ठीक है तो यहाँ पर हमने कह दिया आपसे कि कि देयरफॉर फोर इज द लोअर बाउंड ऑफ ए देयरफॉर हमने कह दिया कि यल जो है वो लोअर बाउंड है यल का अगर यल जो है वो लोअर बाउंड है तो इसका मतलब कि ए में यल सबसे छोटा है तो इस बात को कैसे लिखेंगे देयर फोर एल इज लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए ये भी बात हमने कह दिया कि जो यल है वो अपने इस सबसेट में सबसे छोटा होगा ठीक है जहां पर एक्स क्या है इस ए के सभी वैल्यूज हैं ए की सभी वैल्यूज है मतलब इसको एक्स वन कह सकते हैं इसको एक्स वन कह सकते हैं इसको एक्स वन कह सकते हैं इसको कह सकते हैं ये सब एक्स है एक्स वन नहीं एक्स कह सकते हैं ये सब क्या है एक्स है तो इस पूरे एक्स ये जो भी एक्स इसमें मैं बताया हूँ अभी आपको कि ये भी एक्स है ये भी एक्स है ये भी एक्स है इस यक्स में इस यक्स से सबसे छोटा क्या है यल है या उसके बराबर है तो यदि आप इसको एक्स सपोज करोगे तो देखो यल जो है ये एक्स के बराबर है यदि आप इसको एक्स कहोगे तो इस एक्स से छोटा है यल तो यही बात यहाँ लिखा गया है कि जो यल होगा वो एक्स के बराबर या उससे छोटा होगा ठीक है ना अब चलिए तो ये पहला कंडीशन है जो हमने प्रूव कर दिया या हमें मिल गया तो हमने कह दिया कि विच इज इज द द द कंडीशन फर्स्ट ऑफ ये थियर्म का पहला चीज पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया प्रूवड हो गया अब हम ये प्रूव करेंगे कि अगर हम कोई एप साइलेंट कोई पॉजिटिव नंबर मान लेते हैं और इस पॉजिटिव नंबर को क्या करते हैं इस सी एल में जोड़ देते हैं तो उस कंडीशन में हमें एक वैल्यू बड़ी मिलेगी और उससे छोटा एक वैल्यू एक्स वन जरूर मिलेगा जो ए में होगा ऐसा क्यों प्रूफ कर रहे हैं ऐसा इसलिए प्रूफ कर रहे हैं ताकि हम यह कह सके कि जो जो एल प्लस एफ्स एल यानी एल से जो भी वैल्यू बड़ी होंगी वो लोअर बाउंड नहीं कहलाएंगी सुन आपको यह प्रूफ करना आपने ये तो कह दिया कि वन जो है ये यल जो है वो लोअर बाउंड तो है आपने ये प्रूफ कर दिया लेकिन अभी आपको यह प्रूफ करना बाकी है कि यल जो है इस पूरे सबसेट का सबसे छोटा वैल्यू है ये प्रूफ करना बाकी है और यदि आप यह प्रूव कर पाते हो कि वन जो है वो लोअर बाउंड भी है वन जो है वो अपने लोअर बाउंड में प्रेजेंट है और वन जो है वो सबसे छोटा वैल्यू है ए का तब जाके आप कह सकते हो कि वन जो होगा वह जीएल होगा वन जो होगा वो क्या होगा जीएलबी होगा ये जीएलबी होने के लिए दो कंडीशन है मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया है ठीक है ना तो देखिए एक पहली बात तो ये प्रूव हो गया कि एल जो है वो लोअर बाउंड है अब हमें यह प्रूफ करना है कि यल ही सबसे छोटा वैल्यू है जो ए में है ठीक है अगर यह प्रूफ कर पाते हैं तो यही दो कंडीशन है एक लोअर बाउंड होने के लिए यही दो कंडीशन है मेरे भाई समझा रहा है क्या दो कंडीशन है कि यल को लोअर बाउंड होना चाहिए और यल को अपने सभी एलिमेंट अपने सबसेट के सभी एलिमेंट से छोटा होना चाहिए ये दो कंडीशन प्रूफ करना है तो देखिए हमने प्रूफ कर दिया कि यल जो है वो लोअर बाउंड है ये चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं अब हमें प्रूव करना है कि यल जो है वो अपने सभी एलिमेंट जो उसके सबसेट में एलिमेंट पाए जा रहे हैं ना उन सबसे छोटा है जैसे इस ए में बहुत सारे एलिमेंट हैं, इन सभी एलिमेंटों से ये यल छोटा है यही बात प्रूफ करना है तो देखिए प्रूफ कर रहे हैं हम फर्दर मान लीजिए कि एक यफ साइलेंट यानी एक पॉजिटिव वैल्यू एफ साइलेंट मान लिया जो जीरो से बड़ा है जीरो से बड़ी वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है तो वही हमने कहा दिया कि मान लीजिए फॉर फर्दर फॉर एफ साइलेंट ग्रेटर देन जीरो दिस इंप्लाइज एल प्लस एफ साइलेंट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन यल यदि यल में कुछ जोड़ दोगे तो यल से बड़ा नहीं हो जाएगा ठीक है जैसे वन में अगर कुछ जोड़ दोगे तो वन से बड़ा हो जाएगा ठीक है ना तो वही बात कह जाए तो अब हमें एक यल प्लस एफ साइलेंट एक बड़ी वैल्यू मिल गई जो यल से बड़ा है अब हम ये दिखाएंगे कि यल से बड़ा अगर कोई वैल्यू होता है तो वो लोअर बाउंड नहीं होगा अगर लोअर बाउंड नहीं होगा इसका मतलब कि वो अपने सबसेट का सबसे छोटा वैल्यू नहीं होगा तो यही प्रूफ करने जा रहा हूँ मैं सिंस यल इज़ द ग्रेटेस्ट लोअर ग्रेटेस्ट एमंग ऑल द लोअर बाउंड चूंकि यल जो है वो अपने पूरे लोअर बाउंड का सबसे बड़ा वैल्यू है देखिए ये जो वन था ये अपने लोअर बाउंड का सबसे बड़ा वैल्यू है ठीक है ना तो वही बात यहां लिखा गया है कि सिंस एल इज द ग्रेटेस्ट एमंग ऑल द लोअर बाउंड ऑफ ए हैंस एल प्लस एफ कैन नॉट बी अ लोअर बाउंड ऑफ ए यदि यल ऑलरेडी अपने लोअर बाउंड का सबसे बड़ा वैल्यू है तो यल से बड़ा कोई वैल्यू यल से बड़ा एल प्लस एफ लेंगे तो फिर वो अपने लोअर बाउंड में नहीं आएगा जैसे ऑलरेडी वन क्या है यह अपने लोअर बाउंड का सबसे बड़ा वैल्यू है तो यदि वन में कुछ जोड़ दें तो क्या इसमें आएगा वो इसमें नहीं आएगा वो इससे बाहर चला जाएगा तो वही कहा जा रहा है कि यदि वन में हम कोई एक यब सैलिन जोड़ देंगे जहाँ पर ये सैलिन क्या है कोई एक पॉजिटिव वैल्यू है कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू है मतलब क्या जैसे आप मान लो कि एफ सैलिन वन है तो इस वन में वन जोड़ दो क्या मिल जाएगा टू अब देखिए इसमें टू है कहीं नहीं है टू तो वही कहा जा रहा है कि यदि यल जो है चूंकि हम जानते हैं यल अभी प्रूफ किए हम ऊपर कि यल जो है वह अपने लोअर बाउंड का सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है तो उस कंडीशन में एल प्लस एफ साइलन जो होगा वह लोअर बाउंड नहीं कहालाएगा सुनाया? अब अगर यल प्लस एफ सैलन लोअर बाउंड नहीं कहलाएगा तो ये सबसे छोटा वैल्यू नहीं होगा तो सबसे छोटा वैल्यू तो होगा कौन यल होगा और यही बात प्रूफ करना था कि ल ही सबसे छोटा है यही बात प्रूफ करना है लेकिन लिखेंगे कैसे इसको तो कहेंगे h से l प्लस एप्सिलॉन कैन नॉट बी अ लोअर बाउंड ऑफ a देयरफॉर अगर ल ल प्लस एप्सिलॉन ए लोअर बाउंड नहीं है तो क्यों नहीं है अगर कब कहेंगे जैसे देखिए जैसे मान लीजिए कि यहां पर मान लीजिए एप्सिलॉन में एप्सिलॉन को 1 माना और 1 में 1 जोड़ दिया तो क्या आया 2 आया अब यहां पर 2 क्या है क्या 2 लोअर बाउंड है नहीं है टू लोअर बाउंड कब नहीं कहा जाएगा जब टू से छोटा एक वैल्यू ऑलरेडी ए में होगा तभी जा करके इस टू को हम लोअर बाउंड नहीं कहेंगे सुझा रहे ना तो अगर मुझे कहना है कि टू जो है वो लोअर बाउंड नहीं है तो मुझे ये भी दिखाना पड़ेगा कि टू से छोटा एक वैल्यू ऐसा है जो ए में है तभी मैं कहूंगा कि जो टू है वो लोअर बाउंड नहीं है जैसे देखिए थ्री को लोअर बाउंड कहेंगे क्या नहीं कहेंगे थ्री को लोअर बाउंड कहे नहीं कहेंगे इसलिए क्योंकि थ्री से छोटा वैल्यू एक टू है जो ए में प्रेजेंट है अच्छा टू को लोअर बाउंड भी नहीं कहेंगे क्यों टू को लोअर बाउंड नहीं कहेंगे क्योंकि टू से छोटा एक वैल्यू ऑलरेडी वन इस ए में है तो भाई उसी तरीके से अगर हम कह रहे हैं कि यल प्लस एफ साइलेंट ल प्लस एफ सैलन लोअर बाउंड नहीं है तो लोअर बाउंड नहीं है तो हमें यह दिखाना पड़ेगा कि यल प्लस एफ सैलन से छोटा एक वैल्यू ऐसा है जो ए में है तभी तो नहीं है ये ठीक है ना तो वही बात कहा गया है कि देयर फोर देयर एग्जिस्ट एक्स वन बिलोंग्स टू ए तो उस कंडीशन में अगर यल प्लस एफ सैलन अगर लोअर बाउंड नहीं है तो उस कंडीशन में एक एक्स वन हमें जरूर मिलेगा ए में कुछ इस तरीके से कि जो एक्स वन होगा वो यल प्लस एफ सैलन से छोटा होगा ठीक है ठीक है ना अब देखिए बिकॉज ये ऐसा क्यों होगा ऐसा क्यों ही हमें एक्स वन आ, यल प्लस से छोटा मिलेगा देखिए यहां पर इस टू से छोटा वन क्यों मिलेगा क्योंकि टू से छोटा वन इसलिए मिल रहा है क्योंकि वन इसका लोअर बाउंड है न कि टू लोअर बाउंड है थ्री से छोटा टू क्यों मिला है क्योंकि थ्री लोअर बाउंड नहीं है थ्री लोअर बाउंड नहीं है इसका मतलब क्या कि थ्री से छोटा एक वैल्यू जरूर मिलेगा ए में जो ये बताएगा कि ये थ्री लोअर बाउंड नहीं है क्योंकि लोअर बाउंड उसको कहते हैं जो सबसे छोटा हो तो थ्री से छोटा क्या है टू है तो टू को थ्री को लोअर बाउंड नहीं कहेंगे अच्छा टू को लोअर बाउंड कहेंगे नहीं कहेंगे क्यों क्योंकि टू से भी छोटा एक वन एग्जिस्ट कर रहा है ए में इसीलिए टू को भी लोअर बाउंड नहीं कहेंगे अच्छा अब वन को लोअर बाउंड कहेंगे क्या हाँ वन को लोअर बाउंड कहेंगे क्योंकि वन से छोटा एक वन से छोटा अब कोई वैल्यू ए में नहीं है ठीक है ना तो यही बात मुझे प्रूव करना करना पड़ेगा कि यदि यल प्लस एफ साइलिन एक वैल्यू दे रहा है तो इसको हम लोअर बाउंड नहीं कहेंगे इसको हम लोअर बाउंड नहीं कहेंगे इसको लोअर बाउंड क्यों नहीं कहेंगे तो हम ये दिखाएंगे कि इससे छोटा एक वैल्यू ऐसा है जो ए में है इससे छोटा देखिए टू से छोटा एक वैल्यू ए में है इसीलिए इस टू को हम लोअर बाउंड नहीं कह रहे हैं इसीलिए यल प्लस एफ को लोअर बाउंड नहीं कह रहे हैं क्योंकि यल प्लस एफ छोट से यल प्लस एफ से छोटा यल प्लस एफ से छोटा एक एक्स एक वन मिलेगा जो ए में ही होगा ठीक है अगर ये एक्स वन ए में नहीं पाया जाता तो क्या क्या होता अगर ये एक्स वन ए में नहीं पाया जाता तो क्या होता तो उस कंडीशन में कंट्राडिक्शन हो जाता सुनिए क्या लिखा है बिकॉज इफ नो सच वन इफ नो सच x1 वन एग्जिस्ट इन A, देन यल प्लस एफ साइलेंट शैल बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ अब बताइए अभी आपने कहा कि यहाँ पर आप यहाँ पर पहले मान चुके हो कि यल जो है वही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है अब आप कहो कि यल प्लस epsilon भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाए एक्ट्रेसेंट एल प्लस एफ साइलेंट भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाए तो अब ये कहीं सबसेट का दो दो लोअर बाउंड नहीं होता है ठीक है ना तो वही ये कहा बिकॉज इफ नो सच एग्जिस्ट इन देन कहाल एफ साइलेंट लोअर बाउंड ऑफ ए विच इज कंट्राडिक्शन क्योंकि ऑलरेडी हमने इससे पहले मान लिया है कि यल जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है अब यल अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो यल प्लस एफ साइलेंट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं हो सकता है इसीलिए एक x1 को एग्जिस्ट करना पड़ेगा a में जो कि यल प्लस एफ से छोटा होगा और छोटा होगा तो हमें यह बता रहा है कि यल प्लस एफ से अगर कोई छोटी वैल्यू a में है तो यल प्लस एफ को लोअर बाउंड नहीं कहेंगे ठीक है ना तो ये हो गया ठीक है hence, हम हैंस फॉर एफ ग्रेटर देन जीरो इसीलिए एफ जो कि जीरो से बड़ा है अगर हम मान लें तो उस कंडीशन में हमें एक्स वन एक मिलेगा ए में कुछ इस तरीके से कि जो एक्स वन होगा वो यल प्लस एफ से छोटा होगा ठीक है और यही कंडीशन सेकेंड था जो हमें प्रूव करना था इस थ्योरम का ठीक है ना फ्रेंड तो ये समझ में आपको आ गया होगा ठीक है चलिए अगर फ्रेंड अगर यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए एक कमेंट भी कर दीजिए कि समझ में आ रहा है ठीक है अब आगे बढ़ जाते हैं अब इसका दूसरा पार्ट प्रूफ करते हैं कन्वर्सली लेट कंडीशन फर्स्ट एंड सेकेंड होल्ड अब मैंने कहा था ना आपको शुरू में ही कि अब हम ये मान लेंगे हमने पहले क्या किया था पहले ये माना कि यल जो है वो इनफीम या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ए का और फिर उसके बाद इन दो कंडीशन को हमने प्रूव कर दिया अब हम क्या करेंगे इन दो कंडीशन को मान लेंगे कि ये होल्ड कर रहा है और फिर प्रूव करेंगे कि यल जो है वो आर का या सॉरी ए का इनफीम या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा अब ये हम प्रूव करेंगे ठीक है ना तो चलिए हमने यहाँ मान लिया कि लेट कंडीशन वन एंड टू होल्ड मान लिया कि कंडीशन वन और टू होल्ड कर रहा है अब कंडीशन वन और टू होल्ड कर रहा है तो तो देखिए हम ये प्रूफ करेंगे कि यल जो होगा वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा और फ्रेंड तो इससे पहले कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करिए अगर हमें प्रूफ करना है अगर हमें प्रूफ करना है कि यल जो है वही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो हमें ये दिखाना होगा कि यल जो है वो सबसे छोटी वैल्यू है ठीक है अगर हमें ये प्रूफ करना है कि यल जो है वही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि यल जो है वो लोअर बाउंड है और यल ही सबसे छोटा वैल्यू है जो ए में पाया जा रहा है ठीक है ना तो देखिए लेट द कंडीशन वन एंड टू होल्ड देन द कंडीशन वन इम्प्लाइज कंडीशन वन से अगर कंडीशन वन होल्ड कर रहा है कंडीशन वन क्या है कि यल इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए ए में जितने सारे एलिमेंट है उन्हें सबसे छोटा यल है या उसके सबसे छोटे एलिमेंट के बराबर यल है ये कंडीशन होल्ड कर रहा है तो अगर यल सबसे छोटा है तो यल लोअर बाउंड होगा द कंडीशन ना लेट द कंडीशन वन टू होल्ड देन द कंडीशन वन इंप्लाइज कंडीशन वन से हमें यह मिल रहा है कि यल इज द लोअर बाउंड ऑफ ए क्योंकि यह क्या है सबसे छोटा एलिमेंट है ए का इसीलिए यल को लोअर बाउंड कहेंगे ए का अब आगे बढ़िए यदि यल डैश कोई पॉजिटिव रियल नंबर मान लूँ जो यल से बड़ा हो ठीक है ना कुछ सपोज किया जा रहा है क्यों सपोज किया जा रहा है क्योंकि अब हमें यह प्रूव करना है कि यल ही जो है वो सबसे छोटा वैल्यू है ए में और यल से छोटा कोई और वैल्यू नहीं है ए में इसीलिए यल को ही लोअर बाउंड कहेंगे ठीक है तो यल को तो लोअर बाउंड हम कह लिए कंडीशन वन से तो हमें यह भी दिखाना जरूरी है कि यल से छोटा कोई वैल्यू नहीं है जो ए में है दिखाना पड़ेगा ना क्योंकि कैसे आप कह सकते हो कि यल जो है वही लोअर बाउंड है वही सबसे छोटा वैल्यू है ए में तो उसके लिए हम कह रहे हैं कि चलो आप मान लो यल डैश एक कोई पॉजिटिव रियल नंबर है जो यल से थोड़ा बड़ा है ठीक है ना यल से थोड़ा बड़ा है और यदि यल से वो बड़ा होगा तो जरा सोचो कि एक बड़े नंबर में से एक छोटे नंबर को घटाओगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगा जो हमेशा पॉजिटिव होगा जैसे टू में से वन घटाओगे तो भाई क्या मिलेगा वन मिलेगा और वन क्या होगा जीरो से बड़ा होगा तो वही तो कह रहा हूं कि यदि आपने यल डैश एक बड़ा नंबर माना है यल से तो बड़े में से छोटे वैल्यू को घटाओगे तो आपको यफ साइलेंट मिल गया मान लीजिए थोड़ी देर के लिए जो क्या है जीरो से बड़ा है यानी पॉजिटिव वैल्यू मिल गया तो तो आप इस यल डैश को ऐसे लिख सकते हो कि यल डैश इज इक्वल टू यल प्लस एफन नहीं लिख सकते हो अरे इस माइनस यल को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा एफसाइलन प्लस एल तो वही तो हो गया एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस एफ साइलन अब सुनिए यदि यल डैश जो है वो यल प्लस एफसाइलन है यानी यल डैश जो है वो यल से बड़ा है यल से बड़ा है और यदि यल से बड़ा है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यल डैश से बड़ा है तो इस कंडीशन में यल को हम लोअर बाउंड नहीं कहेंगे यल को हम लोअर बाउंड नहीं कहेंगे और साथ साथ में ये भी प्रूव हो गया कि जो सबसेट ए है उसमें एक यल डैश आपको ज़रूर मिलेगा जो यल से बड़ा होगा यानी यल सबसे छोटा है यह कैसे पता चलेगा जब आप ये प्रूफ कर लो कि यल से बड़ा एक वैल्यू ए में है तो आपने लिया तो कि यल डैश आपको मिला जो यल प्लस एफ सैलिन से बना हुआ है यानी सबसेट ए में यल से बड़ा और भी वैल्यूज हैं ठीक है नहीं तो पता चले कि ए एम हो जाए और फिर आप प्रूव ही नहीं कर पाओ कि वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो अगर यल को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रूव करना है तो ये भी दिखाना पड़ेगा कि यल जो है वो अपने सबसेट का सबसे छोटा वैल्यू है और अपने सबसेट में यल से बड़ा कुछ और भी वैल्यूज़ हैं इसी चीज़ को यहाँ प्रूव किया गया है कि यल डैश इज इक्वल टू यल प्लस एफ ठीक है ना अब आगे बढ़िए ये तो प्रूव हो गया कि यल सबसे छोटा यल लोअर बाउंड है अपने सबसेट का ये प्रूव हो गया और दूसरी बात कि यल डैश आपको मिलेगा जो आप आपके सबसेट को ये प्रूव कर रहा है कि आप एम नहीं हो जैसे जो ए है जो हमने यहाँ ए माना था जो हमने यहाँ ए माना था ये एम पी नहीं है क्यों एम नहीं है क्योंकि इसमें एक और क्योंकि इसमें एक एक यल डैश मिल गया एक यल डैश मिल गया जो यल प्लस एपसैलिन से बड़ा है ठीक है ना तो बड़ा है तो सी बात है ए में होगा अब देखिए नाउ देयर फोर बाई कंडीशन सेकेंड ये तो पहले कंडीशन से हमें मिल गया कि यल डैश यल से बड़ा होगा नाउ बाई कंडीशन सेकेंड वी ऑपटेन एक्स वन लेस देन यल डैश अब हम कंडीशन सेकेंड से हमें क्या मिल रहा है एक एक्स वन मिल रहा है जो यल डैश से क्या है छोटा है अगर x1 वन यल डैश से छोटा है तो हमें यह पता चल रहा है यहां से कि यल डैश वो लोअर बाउंड नहीं कहलाएगा अगर x1 वन यल डैश से छोटा हो गया तो उस कंडीशन में भाई हमने कहा था कि यहां पर कि इस थ्री को लोअर बाउंड नहीं कहेंगे क्योंकि थ्री से छोटा एक वैल्यू टू है जो इस सबसेट में है और फिर टू को भी लोअर बाउंड नहीं कहेंगे क्योंकि टू से भी छोटा एक वैल्यू ए में है उसी तरीके से उसी तरीके से हमने कहा यहाँ पर कि यहाँ पर है ना यल डैश भी इन रियल नंबर यहाँ तो हो गया था बाई कंडीशन सेकेंड एक्स वन हमें मिल रहा है जो यल डैश से छोटा है और यल डैश से छोटा अगर एक वैल्यू मिल रहा है तो यल डैश को हम लोअर बाउंड नहीं कह सकते हैं तो वही मैं कह रहा हूं कि हमें एक एक्स वन मिला जो यल्ड डैश से छोटा है कहाँ से एक्स वन आया कंडीशन सेकेंड से कंडीशन सेकेंड क्या बता रहा है कंडीशन सेकेंड ये बता रहा है कि यदि हम एक एफ सैलन मान लें जो ज़ीरो से बड़ा हो तो देखो भाई यहाँ जीरो से बड़ा एफ सैलन तो आ तो गया है यहाँ पर एफ सैलन इज ग्रेटर देन जीरो ठीक है ना एफ साइलेंट ग्रेटर देन ज़ीरो आ गया है तो अगर अगर हमारे पास एक एफ साइलेंट है जो ग्रेटर देन ज़ीरो है तो उस कंडीशन में एक वन एक्स वन एग्जिस्ट करेगा ये कंडीशन सेकेंड खुद कह रहा है और कंडीशन सेकेंड ऑलरेडी होल्ड कर रहा है और होल्ड कर रहा है तो यदि हमें एक एफ साइलेंट जीरो से बड़ा मिल गया तो निश्चित है कि आपको एक एक्स वन मिलेगा जो ए में होगा और ये जो एक्स वन होगा ये यल प्लस एफ साइलेंट से छोटा होगा तो भाई ये बताओ ये बताओ कि एक्स वन क्या यल डैश से छोटा नहीं होगा क्योंकि एफ साइलेंट एफ जीरो से बड़ा है तो वही मैंने कहा दिया कि एक्स वन इज लेस देन एल डैश विच शोज दैट जो हमें यह बताता है कि यल डैश लोअर बाउंड नहीं है एक और यदि यल डैश लोअर बाउंड नहीं है एक तो वी ऑब्जर्व दैट यल इज़ द लोअर बाउंड ऑफ ए तब यल लोअर बाउंड होगा यल डैश लोअर बाउंड नहीं है तो जाहिर सी बात है कौन लोअर बाउंड होगा यल क्योंकि यल डैश से छोटा यल है ठीक है ना एंड एनी रियल नंबर ग्रेटर देन यल इज़ नॉट अ लोअर बाउंड तो यल से बड़ा कोई वैल्यू अगर लेंगे तो वो लोअर बाउंड नहीं हो सकता है एक का ठीक है इसीलिए यल को क्या कहेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहेंगे एका या यल को इन्फीम या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहलाएगा ठीक है ना तो ये हो गया प्रूफ इसका तो फ्रेंड यही इस थ्योरम का कंप्लीट प्रूफ है ठीक है और हमें आशा है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा अगर नहीं समझ आया तो थो थोड़ा सा वीडियो को प्लेबैक करके देख लीजिए आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा इस वीडियो को थोड़ा ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है ठीक है ना क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है अब अगला थियरम एक ऐसा ही होगा जिसमें हम यू को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रूव करेंगे और दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तब वो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा ठीक है तो यही ये थियरम इसी वीडियो के लिए इसी वीडियो में बस हम कंप्लीट कर देंगे अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आपको थियरम सेकेंड समझ ठीक है फ्रेंड्स नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग